नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। गोंडा के राम जानकी मंदिर के पुजारी और मंदिर का महंत ही निकला हमलावर। पुजारी पर हमला, जमीन कब्जाना और विरोधी को फंसाना था। मंदिर के पुजारी और मंदिर के महंत की मिलीभगत से पुजारी ने साजिश के तहत खुद पर हमला कर चलवाई थी गोलियां। दोनों पुजारी गांव के प्रधान ने मिलकर इस पूरे गोलीकांड की साजिश रखी थी। दोनों पुजारी जहां विवाद जमीन को पाना चाहते थे, वहीं प्रधान को आगामी पंचायत के चुनाव में विपक्षी के फंसाने पर आसानी से दोबारा प्रधान पद की लालसा थी। पुलिस ने इस षड्यंत्र में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। मैं मान सीताराम दास हूँ, राम जानकी मंदिर दिव्य मनोरमा का महंत हूँ। जी, आपके यहाँ किसी पुजारी पर हमला हुआ था और क्या था पूरा, मतलब कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कहाँ आप यहाँ आए हुए हैं? हाँ, हमारे पुजारी के ऊपर हमला हुआ था, वो काफ़ी सीरियस भी थे, इस समय खतरे से बाहर हैं। अभी उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन होना बाकी है, प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी मौके से हो गई थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी अमर सिंह, जिसके ऊपर 30-32 मुकदमे हैं, 2-3 बार जिला बदल हो चुका है, गुंडा एक्ट की भी उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो आज तक अभी तक पुलिस के हाथ पे नहीं आया है और फरार चल रहा है। कहाँ फरार है, कौन नेता उसको संरक्षण दे रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि भी था और जिला पंचायत सदस्य होने के नाते कोई ना कोई स्थानीय नेता उसको संरक्षण दे रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और वही उसको छुपा रहा है। मैं भी कप्तान साहब से, सीओ साहब से निवेदन किया हूँ और मुझे माननीय कप्तान महोदय के ऊपर भरोसा है, पांडे जी के ऊपर, कि वो जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो क्या भय लगता है आप लोगों को कि कहीं कोई घटना को अंजाम ना दे दे? भय तो है ही, क्योंकि एक दुर्दांत अपराधी है, वो हमेशा से खुला आजाद घूम रहा था, नेताओं के संरक्षण में चल रहा था, तो ये बात सत्य है और भय भी है, काफ़ी भय है। क्षेत्रवासी सब भयभीत रहते थे, तो हमें तो भय रहेगा ही, हम तो भाई बाहर से हैं, हम अयोध्या से भेजे गए थे यहाँ पे, मैं तो अभी यहाँ 2-3 साल हुआ है, तो मुझे तो भय रहेगा ही, क्यों नहीं रहेगा। बाबा, क्या लगता है कौन नेता है वो जो उसको संरक्षण दे रहा है? नहीं, अब हम नाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नाम लेते ही मर्डर हो जाता है। अच्छा, सत्ता पक्ष का है विपक्ष का? अब वो कैसा भी है, नेता है, ये मैं नहीं बताऊंगा। मतलब नेता किस पक्ष का है? हमारे जवान पे उसका नाम है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उसका नाम लेते ही मर्डर हो जाता है। नहीं तो वो क्या बाहुबली है? हाँ, बाहुबली है, वो बाहुबली नेता है, वही उसकी मदद कर रहा है, वही उसको संरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, देखिये, गोंडा में कई लोगों की हत्याएं हो चुकी है, खास तक अगर ब्राह्मण है तो उसकी हत्या गिन चुन के की जाती है ना, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक, क्योंकि किसी भी वक्त हत्या हो सकती है। तो पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट? पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट अभी तक नहीं था, लेकिन जब से एसएसपी पांडे जी आए हैं तो मुझे भरोसा है, क्योंकि तेज तरार ऑफिसर हैं, बरेली में भी बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है, तो मुझे इनके ऊपर पूर्णतः विश्वास है कि किसी भी दबाव को ना मानते हुए जो निष्पक्षता के साथ ही कार्रवाई करेंगे उसको। ग्यारह अक्टूबर को जो यहाँ पे एक साधु को गोली लगने की मामला थी, उसका सफल अनावरण किया गया है और इसमें मुख्य साजिशकर्ता सीताराम दास और उस गांव का प्रधान विनय सिंह के साथ साथ कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें एक अभियुक्त जो सम्राट दास है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे गोली लगी थी, और एक अभियुक्त सूरज फरार है। इसमें इन्होंने गलत नामजदगी कराई थी दूसरे को फंसाने के लिए, जमीनी विवाद और प्रधानी का चुनाव जो था इसके उद्देश्य से फंसाने के लिए गलत नामजदगी की गई थी। इसमें असलाहा जो प्रधान के दोनों बेटे हैं नीरज और सूरज, उन्होंने सप्लाई किया था। गोली पुजारी को मुन्ना ने मारी थी और उसके साथ सोनू भी असलाहे के साथ वहाँ गया था, और इस तरह एक पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। और जैसा मैंने बताया, 7 लोग गिरफ्तार हैं, एक पे हमारी निगरानी है क्योंकि वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है जो चोटिल है, और एक फरार है, जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे।